उज्जैन की बात करते हैं, जहां पुलिस को चोरी के मामले में लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस कप्तान के निर्देशों के बाद 30 दिनों में 6 चोरी की गैंग का खुलासा उज्जैन पुलिस की ओर से किया गया। देश में आचार संहिता लगने के बाद से ही की जा रही वाहन चेकिंग में उज्जैन पुलिस के हाथ एक और वाहन चोर गिरोह लगा है। चोरी करने वाले गिरोह में 2 नाबालिग भी शामिल है, जिनसे 7 दुपहिया वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं। उज्जैन पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 5 आरोपी शामिल हैं। इनके द्वारा अभी तक पुलिस ने 7 जो बाइक है अलग अलग स्थानों से जब्त की है। ये बाइक्स जो हैं उज्जैन शहर से ही इनके द्वारा चोरी की गई थी। ये जो गिरोह है काफ़ी शातिर है। इनके द्वारा लगातार ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहाँ पे बाइक्स जो हैं खड़ी रहती हैं, यहाँ से चोरी करना आसान है और फिर उसको चुरा के बेचा जाता था। तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ऐसे ही जो है संदिग्ध को पकड़ा। पूछताछ करने पर ये पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ है। वर्तमान में इनसे और पूछताछ की जा रही है, संभव है और भी इससे बरामदगी होगी। अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया है, तो उसके लिए क्या तैयारियां दी गई हैं, किस तरह से अपराधियों पर? वर्तमान में आप जानते हैं जैसे आचार संहिता लागू है और इस दौरान निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो भी असामाजिक तत्व होते हैं, अपराधी होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। और इसी क्रम में उज्जैन पुलिस द्वारा ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है जो अपराध में वर्तमान में शामिल हैं। इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनकी गंभीरता के को देखते हुए की जा रही है और लगातार ये जो कार्रवाई है चुनाव तक जारी है।